नमस्कार। क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के एमसीक्यू प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। ये प्रश्न क्लास 9 बोर्ड एवं अन्य स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या एक, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय अर्थात इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये वो संख्याएं हैं जिन्हें हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, शून्य को हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वन को भी लिख सकते हैं, टू को भी लिख सकते हैं, लेकिन रूट टू को हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अतः यह अपरिमेय संख्या है। ये ऑप्शन नंबर फोर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है अर्थात जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो यहां पहला ऑप्शन है शून्य। तो शून्य को हम लिख सकते हैं शून्य बाई एक, दो, तीन, चार, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर वन सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, 0.6 बराबर है किसके बराबर है? तो ये हम लोग जानते हैं कि 0.6 को अगर हम भिन्न के रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो हम कैसे करते हैं। ये 6 लिखे बेटा, अब हम यहां लिखते हैं एक, अब उतना ही जीरो देंगे इसके बाद, यानी शून्य देंगे जितनी यहां दशमलव के बाद अंक है। तो यहां दशमलव के बाद एक अंक है तो यहां एक शून्य देंगे। तो 0.6 का जो ये भिन्न हुआ वो हुआ 6/10। तो ये ऑप्शन नंबर थ्री सही है। क्वेश्चन नंबर फोर, 64 to the power 1/2। तो इसका अर्थ होता है 64 to the power 1/2 का ये अर्थ होता है कि ये इस तरह से, यानी 64 का वर्गमूल। यहां पर दो नहीं लिखते हैं तो ये 64 का वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल हम निकालते हैं, 8 × 8 हम इसे लिख सकते हैं। तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया, 8। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो इससे पहले ही अभी हमने देखा था परिमेय संख्या की परिभाषा में, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ रूट थ्री को हम नहीं लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में, पाई को भी नहीं लिख सकते हैं, 0/4 को हम लिख सकते हैं, इसका बराबर हो जाएगा शून्य। तो ये हमारा ऑप्शन है। और ये जो है ना 4/0 है ना, इसे भी कुछ लोग कह सकते हैं कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो नहीं, यह परिभाषित नहीं है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर तीन सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? यहां चार ऑप्शन दिए हैं, सभी का मान हम निकाल के देखते हैं कि कौन 3 और 4 के बीच है। यहां 3/2, अगर हम 3/2 को हम ये 2 से 3 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.5। यहां आ जाएगा 4/2 बराबर, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 3.5। 7/2 यानी 7 का आधा 3.5 होता है। तो 3 और 4 के बीच कौन सा हमारा भिन्न आया, तो ये 3.5। तो ये वाला हमारा चौथा नंबर सही है।
क्वेश्चन नंबर सेवन, 6√5 × 2√5 किसके बराबर होगा? आइए से हम गुना करके देखते हैं किस तरह से गुना होता है इसका। 6√5 × 2√5 ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इनका हम गुना इस तरह से करते हैं, ये 6 × 2 और ये इधर √5 × √5 तो ये हो गया 6 × 12 और √5 × √5 तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर 2 बार आया है और ये बराबर गुना ये यहाँ पर ये √5 है और फिर स्क्वायर भी है, तो ये रूट और ये जो स्क्वायर है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो बच जा रहा है हमारा 5, तो ये 12 × 5 = 60 ये हमारा आंसर आया, ये ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, 5√5 × 5 − √5 तो एक सर्वसमी का आपको याद होगा a+b × a − b, तो ये क्या होता था a² − b² आप यहां गौर से देखें ठीक इसी सर्वसमी का के रूप में ये है, यहां a की जगह 5 है और b की जगह √5 तो यहां पर हमारा 5√5 × 5 − √5 को इसी फॉर्म में हम इसी सर्वसमिका के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5² − √5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5² इतना 25 और अभी हमने देखा था ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो बच गया 5 अर्थात यहां पर आ गया हमारा आंसर 20 तो ये पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, 1/√2 के हर परिमेय सॉरी ये परिमेय नहीं है परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है, तो हम 1/√2 को परिमेयकरण करते हैं यानी परिमेय इसका हर को परिमेय बनाते हैं, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए 1/√2 = 1/√2 और इसके अंश और हर दोनों को हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुना कर देते हैं, देखिए अंश को भी हमने √2 से किया और हर को भी √2 से किया, तो ये हमारा यहाँ अंश में आ गया √2 और हर में आ गया √2 × √2 यानी 2, तो देखिए ये हर जो है वो परिमेय में बदल गया, पहले अपरिमेय था, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, 2√2/3 × 2√1/3 तो घातांक के नियमों के अनुसार हम जानते हैं कि जब आधार एक हो और उनका गुना हो तो ये घातांक का जोड़ हो जाता है अर्थात 2√2/3 × 2√1/3 इसका टू होगा 2√2/3 और प्लस 1/3 तो 2/3 और प्लस 1/3 ये भिन्न का जोड़ है, आइए इधर रफ में कर लेते हैं इसे जोड़, 2/3 + 1/3 इसका टू ये हर 3 ही है, जब हर समान है तो यहां पर हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/3 अर्थात 1 तो यहां पर आ गया 2√1 अर्थात 2 तो ये 10 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। पाई क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूर्ण संख्या इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग जानते हैं परिमेय पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्यों है आप इसका मान देखेंगे तो
इस तरह से आएगा 3.14 और इस तरह से आता चला जाएगा, रिपीट नहीं करेगा ये, है ना। ये एग्जैक्ट 3.14 नहीं होता है, इससे आगे होता है काफी सारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 36/100 का दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है? शांत यानी टर्मिनेटिंग, अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, अनवसानी अनावर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 36/10 का दशमलव में अगर हम बदलते हैं 36/100, तो इसका दशमलव में हो जाता है 0.36, ये पूरा पूरा आ जाता है। इसके बाद कोई और अंक नहीं आता है ना रिपीट करता है, तो इसे हम कहते हैं शांत या टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें 3 है, और ये ऑप्शन नंबर जो 2 है ये 1/3 है, यहाँ छूट गया है, सॉरी 1/3, और ये √4 है, ये तीसरा नंबर और चौथा नंबर पाई है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 परिमेय संख्या है, 1/3 भी परिमेय संख्या है, और 4 का अगर वर्गमूल निकाले तो ये 2 आता है, तो ये भी परिमेय है। हमारा आंसर कौन सा है? ये पाई यानी चौथा नंबर। 4/3 का दशमलव प्रसार है, तो हम 3 से 4 में अगर हम भाग दें तो ये क्या आता है? देखिए 3 × 1 = 3, ये 1 आएगा, फिर यहां दशमलव देंगे तो ये 10 हो गया, 3 × 3 = 9, फिर 1 आया, फिर हमने यहां 0 दिया चूंकि दशमलव पहले दे चुके हैं, तो ये 3 होगा और ये 9 होगा, फिर यहां पर 1 आएगा, और इस तरह हम देखेंगे कि इस तरह से ये 3 3 आता चला जाएगा, अर्थात 4/3 क्या होगा? 1.3, और इसके ऊपर एक बार देंगे। बार देने का अर्थ ये है कि ये 3 बार बार रिपीट करेगा, अर्थात ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये इसमें कोई शून्य नहीं हो रहा है, शेष शून्य नहीं हो रहा है, और रिकरिंग है, अर्थात ये है अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 15, अभी इससे पूर्व भी हमने इस तरह का प्रश्न बनाया है, ये a+b × a-b के फॉर्म में है, तो इसका मान हो जाएगा 3+√3 × 3−√3 = 3² − √3 का² तो ये हो जाएगा 9 और घटाओ 3, ये 6 आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 16, 7^6/5 और ये बाई 7^1/5, घातांक के नियमों के अनुसार हम देख रहे हैं कि इनके आधार सेम है, यहां भी 7 है यहां भी 7 है, तो ऐसी स्थिति में ये घातांक का घटाव हो जाता है, अर्थात 7^6/5 बटा 7 7^1/5 इसका टू हो जाएगा 7^6/5 − 1/5, ये घातांकों का घटाव हो रहा है, तो ये भिन्न का घटाव है। आइए इसे रफ में इधर कर लेते हैं, 6/5 − 1/5, तो हमारा यहां पर एलसीएम या लॉस आ गया 5, और ये 6 × 1 अर्थात ये 5/5 अर्थात 1, तो यहां पर हो गया 7 का घाट,
या पावर एक यानी ये सात। तो ये पहला नंबर ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो यहां हम देख रहे हैं कि 2 माइनस रूट 2, तो रूट 2 तो अपरिमेय है, तो ये पूरा अपरिमेय हो गया। यहां 1 बाई रूट 2 ये भी अपरिमेय है, ये चौथा नंबर 2 पाई ये भी अपरिमेय है, यहां पर 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7, 2 रेट रूट 7 जो है ये तो अपरिमेय है और 7 रूट 7 भी अपरिमेय है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां ये रूट 7 और रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा यहां 2 बाई 7, अर्थात ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18, 0.3 बराबर है, तो ये हम लोग अभी हमने पूर्व में देखा है इस तरह का प्रश्न। 0.3 का अर्थ होता है ये 3/10, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही है। वन बाई रूट 3 का परिमेयकरण, ये गलत था, 1/√3 का परिमेयकरण है, इसका परिमेयकरण करना है। तो इससे पूर्व भी हमने इस तरह के प्रश्न को हल किया है, आइए फिर से हल कर देते हैं। 1/√3 इसका क्यू हो जाएगा 1/√3, और इसके अंश और हर दोनों को हम रूट 3 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा आएगा रूट 3/3, ये रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3, तो ये हर जो है ये परिमेय बन गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20, 36^1/2, तो ये जब पावर 1/2 है इसका अर्थ हो गया कि हमें 36 का वर्गमूल निकालना है, और हम लोग जानते हैं 36 का वर्गमूल होता है 6, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। आशा है कि आपको परीक्षा में जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे, मैंने काफी विस्तार से सभी प्रश्नों को हल किया है। धन्यवाद।